हाय गाइस, 2000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में बहुत सारे स्पीकर्स मैंने ऑर्डर करे और ये सारे इंटरनेट पे पॉपुलर चल रहे थे, तो मुझे लगा मंगा के देखते हैं कौन सा स्पीकर एग्जैक्टली मैच है। इनफैक्ट इनमें से कुछ स्पीकर्स में तो माइक भी मिलता है। मुझे रिसेंटली पता लगा कि लोग माइक वाले स्पीकर्स भी ढूंढ रहे हैं, शायद अनाउंसमेंट वगैरह के लिए यूज करते होंगे। तो ऑब्वियसली इन स्पीकर्स को मैं टेस्ट करके आप लोग को बताऊंगा कौन से स्पीकर्स आपके लिए अच्छे और कौन से आपके लिए बुरे है। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सारे स्पीकर्स टेस्ट करने के बाद मैंने कैटेगरी बनाई है। यहाँ पर देखो, कुछ स्पीकर्स है जो अवॉइड करने आप लोग के लिए, और जो मैं अवॉइड करने के लिए स्पीकर्स कह रहा हूं ना, उनके बारे में ध्यान से सुनना है, आप लोग की नॉलेज बढ़ेगी। फ्यूचर में अगर आप कोई और स्पीकर खरीदने गए तो आपको पता होगा किस चीज का ध्यान रखना है। सेकेंडली, अगर आप कोई एक ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर देख रहे हो जिसके साथ माइक मिलता है, आपको अनाउंसमेंट करनी है, कैरियोके एंजॉय करना है, तो वो भी आज मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और ऑब्वियसली थर्ड कैटेगरी है जो स्पीकर्स मुझे बेस्ट लगे इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, जो आपको 100% खरीद लेने चाहिए। तो ऑब्वियसली नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्पीकर है इस प्राइस सेगमेंट में बहुत पॉपुलर है बोट की तरफ से। इसका नाम है बोट स्टोन 580। और ऑब्वियसली यार, पॉपुलर क्यों ना हो, बोट का कितना ज्यादा नाम है। अगर कोई भी बंदा स्पीकर खरीदने जाएगा, बोट का नाम इतना ज्यादा इंडिया में कि वो प्रेफर करेगा कि मैं बोट का स्पीकर खरीदूं। तो सबसे पहली एडवाइस तो मैं यही देना चाहूंगा सबको कि यार, सिर्फ ब्रांड नेम पे मत जाया करो। और ये जो बोट का स्पीकर है ना, स्टोन 580, 1600 रुपए का मैंने इसको खरीदा है, और 1600 रुपए के हिसाब से जो इसका साउंड सिग्नेचर है ना, वो मुझे चीप फील हुआ। वैसे इसका डिजाइन अच्छा है, RGB वगैरह मिलता है, बट जो 12 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट मिलता है ना यार, वो ना बेस ओवर पावर कर रहा है पूरी म्यूजिक को, और ऊपर से फुल वॉल्यूम के अंदर क्रैकल करने लगता है स्पीकर। बेसिकली स्पीकर में ब्रांड वैल्यू भी है और चीजें भी जो है लाइक अच्छी देने की कोशिश करी है, लेकिन यार फुल वॉल्यूम पे ऐसे क्रैकल होना, वो एक मेजर प्रॉब्लम होती है। अब सेकंड एडवाइस की बात करते हैं। देखो, मैं ये स्पीकर टेस्ट कर रहा था, ये ना न्यू रिपब्लिक की तरफ से सोनिक पॉप 160 का नाम है, और ये सिर्फ 1500 रुपए के आते हैं। और सिर्फ, पता है मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ यार, इसकी लाइटिंग देखो, बेस्ट लाइटिंग है इसके अंदर, ये RGB वाली कमाल की फील देती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो ऊपर वाले बटन्स है ना, ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, मतलब यहाँ पर सच में मैकेनिकल कीबोर्ड में जो स्विचेस आते हैं वो ही मिलते हैं। मैं की कैप निकाल के दिखाता हूँ, बड़ा मजा आता है इनको यूज करने में। और सिंपली मैं बोल सकता हूँ, 1500 रुपए के प्राइस टैग के अंदर ऐसी डिजाइन लैंग्वेज मिलना बहुत बड़ी बात होती है। बट यहाँ पर एडवाइस की बात पता है क्या है, और ये चीज खुद भी नोटिस करना, कि कोई भी स्पीकर अगर दिखने में अच्छा है ना, बहुत चांसेस होते हैं इस टेक वर्ल्ड के अंदर कि वो साउंड अच्छा नहीं करेगा। अगर आपको दोनों चीजें एक साथ चाहिए कि वो साउंड भी अच्छा करे और वो दिखे भी अच्छा, उसके लिए आपको बहुत हायर साइड पे करना पड़ेगा। 100% 1500 रुपए में तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसके साउंड के बारे में बात करूं तो इस स्पीकर में ना 16 वोट का आउटपुट मिलता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है, कि लाउड तो ये हो जाते हैं, अच्छी बात है लाउड होना, लेकिन यार 100% वॉल्यूम पे इसका ट्रेबल इतना ज्यादा हाई हो जाता है, कानों को चुभती है आवाज, नहीं सुना जाता गाना। तो फिर वही बात है ना, कि बस एक शो पीस है ये। अगर आपको शो पीस चाहिए हो ऐसा दिखने वाला, खरीद सकते हो, बट साउंड तो बहुत बुरी है। थर्ड एडवाइस मैं ये देना चाहूंगा कि भाई, बड़े ब्रांड से भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि ये स्पीकर पोट्रोनिक्स की तरफ से आते हैं, ReSound 2 इसका नाम है, और पूरी लिस्ट में ना ये सबसे एक्सपेंसिव स्पीकर है, 2000 रुपए का ये आता है। और पता है मैंने क्यों बोला कि बड़े ब्रांड से भी प्रॉब्लम हो सकती है, देखो ये स्पीकर साउंड बहुत अच्छा करता है, और मैं बोलूंगा पोट्रोनिक्स से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि यार जो नंबर वन स्पीकर आज मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं ना, वो भी पोट्रोनिक्स की तरफ से है। लेकिन अगर मैं इस रेड वाले स्पीकर की बात करूं, इसमें आपको ना थोड़ा सा जूम करके मैं पोट्रोनिक्स की ब्रांडिंग दिखाता हूं, आपको थोड़ी टेढ़ी लग रही है, ऐसे क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि देखने को मिलेंगे। जब मैंने स्पीकर को टेस्ट करना स्टार्ट किया था, जब मैंने इसकी साउंड सुनी थी, तो इनिशियली मैंने इसको रैंकिंग दी थी सेकंड या थर्ड, मैं सिंपली आप लोग को इसको रिकमेंड करने वाला था। बट जितना ज्यादा मैं स्पीकर को टेस्ट करता गया, इसमें बग्स मुझे देखने को मिले, और बग्स भी पता है कैसे देखने को मिले, जब मैंने स्पीकर अपने फोन से कनेक्ट करा ना, अपने आप वॉल्यूम डाउन हो रही है, मैं अप कर रहा हूं दोबारा से डाउन हो जा रही है। और दूसरा बग तो मुझे बहुत सीरियस लगा है, मतलब मेरे फोन से कनेक्टेड है और ये स्पीकर ने अपने आप रिसेंट कॉल में से कॉल मिला दिया किसी को भी, और ये चीज मेरे साथ काफी बार हुई है। ऑब्वियसली इन चीजों को मैं रिकॉर्ड करके एज अ प्रूफ नहीं दिखा सकता, क्योंकि एकदम से होती है चीजें, ये सारी बातें इसलिए
बता रहा हूँ जिससे आपको पता लगे कि बड़े ब्रांड्स की कुछ यूनिट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कोई ऐसा स्पीकर खरीदो और उसमें ऐसा फॉल्ट निकले, आप जल्दी से रिटर्न डाल दो, बहुत चांसेस है कि दूसरी यूनिट ऐसे खराब ना निकले। अब क्योंकि आप लोगों ने नॉलेज गैदर कर ली है तो अब चीजों को रिकमेंड करना स्टार्ट करता हूँ। देखो बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब मुझे अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू पता लग रहा है कि माइक वाले स्पीकर खरीदना चाहते हैं, तो आज है ना मैं आपको दो स्पीकर रिकमेंड करूंगा, एक जो है कम प्राइस का है, एक थोड़ा सा ज्यादा प्राइस का है। सबसे पहले ये वाला स्पीकर देखो, इसका नाम है Zebronics Mellow और ये स्पीकर सिर्फ 1300 रुपए का है और ये कुछ ऐसे माइक के साथ आता है और बहुत छोटे साइज का यार, काफी पोर्टेबल भी बोल सकता हूँ मैं। इनफैक्ट ये स्पीकर जो है ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ आता है, ऊपर से इसमें RGB भी है तो दिखने में बहुत कूल है। वैसे स्पीकर में सारे नेसेसरी पोर्ट्स मिलते हैं, चार्जिंग के लिए टाइप सी है, माइक्रो SD कार्ड है और USB भी कनेक्ट कर सकते हैं और ऑक्स भी, और Zebronics के हिसाब से 10 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकता है। और साउंड की बात करने से पहले आई थिंक मुझे इसका माइक चला के दिखाना चाहिए आपको। माइक कनेक्टेड है, अब सुनाता हूँ। Hi guys, maybe family gathering पे आप सेव कर सकते हो। और यहाँ पर वॉइस चेंज करने का भी ऑप्शन दे रखा है। रुको, ये वाली आवाज हाई पिच है। नो डाउट मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि लोग इससे कितना ज्यादा फन कर सकते हैं। और स्पीकर के साउंड की बात करो तो भाई, गाने सुनने के लिए स्पीकर नहीं बना है, इसके लिए मत खरीदना। मतलब इसको ट्यून ही ऐसे कर रखा है कि माइक पे जब बोले तो लाउड आवाज आए, ज्यादा रिवर्ब रहे। वैसे भी बता देता हूँ मैं, इसमें अगर गाने सुनोगे ना, बहुत लैकिंग है बेस इसके अंदर और ट्रेबल बहुत हायर साइड है, कानों में आवाज चुभेगी। बेसिकली जो है अनाउंसमेंट वगैरह है, फिर माइक यूज करना है तो तभी सेंस में नहीं। तो ये स्पीकर जो है छोटे रूम में इनफ लाउडनेस ला देगा, बट अगर आपको बड़े रूम में यूज करना है तो जैसे कि मैंने इसकी आवाज सुनाई थी, इसकी अगर मैं बात करूं तो यार ये ज्यादा लाउड है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा इस स्पीकर के लिए, बट ये बड़े रूम में भी अच्छी खासी अनाउंसमेंट कर सकता है। इसका नाम है पीट्रॉन फ्यूजन जॉय और ये जो है 1900 रुपीस का मिलता है। खैर इससे पहले वाले स्पीकर से कंपेयर करो तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है अगर ज्यादा पे करो तो, और आई थिंक इसके लुक्स भी थोड़े से बेटर है और ये भी पोर्टेबल काफी ज्यादा है। बट सरप्राइजिंग बात पता क्या है, ये पीट्रॉन और Zebronics दोनों ने जो माइक दिए ना, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, सेम तरीके से काम करते हैं, इनफैक्ट बटन्स तक सेम है। इनफैक्ट इस स्पीकर में ना 20 वॉट का आउटपुट मिलता है जो कि बहुत लाउड माना जाएगा और इसी वजह से ये इवेंट टाइप साउंड करता है, मतलब जब इसके माइक से हम बोलते हैं ना तो इसमें एको भी बहुत अच्छी खासी आती है और एको भी कुछ ऐसी आती है। और फिर से बोलूंगा, म्यूजिक के लिए नहीं बने स्पीकर, हालांकि इसमें जब गाना चलाते हैं तो वो बहुत ज्यादा लाउड हो जाते हैं, बट फिर उससे जो है ना एक अच्छा साउंड आउटपुट एक्सपेक्ट मत करना। बस ये फिर से बोलूंगा, अनाउंसमेंट के लिए दोनों स्पीकर जो दिखाए हैं आप 100% खरीद सकते हो। और अब लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं, दो स्पीकर आपको बताऊंगा जो मैं सबको बोलूंगा आप खरीद सकते हो अंडर 2000 रुपीस। जैसे कि ये स्पीकर, ये Zebronics की तरफ से है, म्यूजिक बॉम एक्स प्रो इसका नाम है और ये 1747 रुपीस का मैंने खरीदा है। और इस वीडियो मैंने जितने भी स्पीकर टेस्ट करे हैं ना, सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप इस Zebronics ने स्पीकर के लिए क्लेम किया है 22 घंटे का। और स्पीकर में पोर्ट सिलेक्शन तो है ही अच्छी, मतलब टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए, यहाँ पर यूएसबी भी मिल जाता है, माइक्रो एसडी, ऑक्स, बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें एफएम का भी सपोर्ट है। और जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, जब इसको रियल लाइफ में आप देखोगे ना, थोड़ा बल्की लुक है इसका, काफी बड़ा लगता है स्पीकर, पर आई थिंक Zebronics ने ना इसको टफ लुक दिया है, मतलब स्क्रूज वगैरह दिख रहे हैं, हाँ प्लास्टिक बिल्ड है, बट Zebronics ने ना कोई भी IP रेटिंग के बारे में कंफर्मेशन नहीं दे रखी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर साउंड की बात करूं तो 20 वॉट का आउटपुट ये दे सकता है। और अच्छी बात पता है क्या है, अगर मैं 100% वॉल्यूम भी कर देता हूं ना, तब भी डिस्टॉर्शन नहीं आ रही, तो ये चीज तो अच्छी है। और अगर मैं ट्यूनिंग की बात करूं तो मैंने इसमें म्यूजिक सुना था, देखो इसकी ट्रेबल जो है ना हायर साइड है, तो हो सकता है 100% वॉल्यूम पे थोड़े से कानों में चुभे आवाज, लेकिन इस स्पीकर की ट्यूनिंग मेरे हिसाब से ना पॉडकास्ट या फिर मूवीज वगैरह के लिए कर रखी है, क्योंकि स्पीच वगैरह तो इसमें बहुत अच्छे सुनाई देती है। खैर इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि कॉन्टेंट के साथ ये जो RGB लाइटिंग है बहुत अच्छे से प्ले होती है। बेसिकली अगर आपको लाउड स्पीकर चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में, तो आप इसको 100% कंसिडर कर सकते हो अगर आप मूवीज वगैरह देखना चाहते हो या फिर अगर आपको एक्स्ट्रा लाउड। और अब फाइनली नंबर 1 स्पीकर की बात करते हैं, ये Potronics की तरफ से आता है, इसका नाम है साउंड ड्रम पी और ये स्पीकर मैंने 1900 रुपए का खरीदा है। और डिजाइन की बात करूं तो इस प्राइस सेगमेंट में ना लाइक बहुत पॉपुलर डिजाइन है, इसको ड्रम स्टाइल डिजाइन बोल देते हैं। खैर पूरी लिस्ट में अकेला स्पीकर है जिसमें RGB नहीं मिलता, तो लाइक बिल्कुल बेसिक है। और Potronics ने अपनी वेबसाइट पे इस स्पीकर को लेकर स्प्लैश प्रूफ लिखा हुआ है, बट कोई ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं दे रखी, बट मेरे हिसाब से ना मुझे जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, लाइक काफी सॉलिड है। और इस स्पीकर में भी ना सारे मेजर पोर्ट्स में
मिल जाते हैं, मतलब USB, माइक्रो SD, ऑक्स और टाइप सी चार्जिंग के लिए। और बैटरी की बात करूं तो पता है ब्रांड क्या करते हैं, स्पीकर्स के नीचे लिखते हैं कि लाइक 6 घंटे का बैटरी बैकअप है, 7 घंटे का, बट पोटोनिक्स ने स्पीकर के लिए क्लेम किया 6 से 7 घंटे का, लाइक कुछ एस्टिमेट करके दे रखा है। और साउंड की बात करूं तो 20 वाट का इसका आउटपुट है, और अगर मैं इन सारे स्पीकर से कंपेयर करूं जो मेरे टेबल पे रखे है, सबसे अच्छा यही साउंड करते हैं। जितना मैंने इसको टेस्ट करा ना, मेरे हिसाब से एक रूम फिलिंग साउंड है इसकी, और इतना लाउड होने के बाद भी ना ये अपना बेस को सही तरीके से प्रिजर्व कर पाता है। और टेस्टिंग के लिए मैंने बहुत अलग अलग गाने सुने हैं, हो सकता है कि कुछ गानों में आपको लगे कि बहुत बूमी सा बेस हो गया है, बट 90% टाइम ना मुझे अच्छा लगा इसका बेस। और आई थिंक क्लैरिटी भी जो है ना इसकी गुड अमाउंट की है। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि इतने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं यहाँ पर, स्टिल इसकी साउंड भी बहुत अच्छी है और लाउडनेस भी बहुत अच्छी है। इसे प्रूफ हो जाता है यार, साइज डज नॉट मैटर। के यहाँ पर लिस्ट खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो या फिर अगर आप भी कोई स्पीकर रिकमेंड करना चाहते हो तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख दो, बहुत लोगों की हेल्प होती है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।